नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रिया दहेजा। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी अनुपम पाठमाला पाठ नंबर एक, जिसका नाम है देश हमारा। बच्चों, हमें इस नाम से ही पता चल रहा है, इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे देश के बारे में कहा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश कौन सा है, हम किस देश में रहते हैं। तो हम भारत देश में रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं? भारत। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारे देश के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन सी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन सा सब कुछ, इसके प्राण सम्मान इनके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो देखो, पहले है सुंदर प्यारा देश हमारा। तो बच्चों, इसमें बताया है कि हमारा देश बहुत ही सुंदर है और प्यारा है। बहे यहाँ गंगा की धारा मीन्स होता है नदी। यहाँ पर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो बहुत ही विशाल है। शीश हिमालय छूता अंबर। शीश मीन्स क्या होता है? शीश मीन्स होता है सिर, और अंबर मीन्स आकाश। यहाँ जो एक हिमालय पर्वत है वो इतना ऊंचा है मानो वो आसमान को छू रहा हो। धोता है पग, पग मीन्स है पैर। इसके सागर, सागर मीन्स समुद्र। जो समुद्र है वो मानो हमारे देश के पैर धोता है। है सबकी आंखों का तारा। आंखों का तारा होता है जो सबको प्यारा लगे, जैसे आप अपने मम्मी पापा की आंखों के तारे हो, वैसे ही हमारा देश हम सबकी आंखों का तारा है, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। इस पर अपने प्राण लुटाएं, हम सब इसका मान बढ़ाएं। मान मीन्स इज्जत या सम्मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। हमें इसके मान और सम्मान की रक्षा के लिए अगर हमें अपने जान भी वारनी पड़े तो हम वार देंगे। भारत की जय अपना नारा। नारा मीन्स ऊंची आवाज में बोलना। तो हमारे देश का नारा है भारत की जय। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके कठिन शब्द करवाऊंगी, मतलब शुक्ले। पहला है, देखिए, सुंदर। स, स को छोटा उ, ऊपर बिंदी, द, र, सुंदर। नेक्स्ट इज प्यारा, आधा प, य, य को आ, र, र को आ, प्यारा। थर्ड वन इज गंगा, ग, ऊपर बिंदी, ग, ग को आ, गंगा। नेक्स्ट इज हिमालय, ह, ह को छोटी ई, म, म को आ, ल, य, हिमालय। नेक्स्ट इज आंखों, अ, अ को आ, ऊपर चांद बिंदु, ख, ख को ओ, बिंदी, आंखों। नेक्स्ट इज सागर, स, स को आ, ग, र, सागर। नेक्स्ट इज प्राण, प, प के पैर में र, आ की मात्रा, अणा, प्राण। नेक्स्ट इज भारत, भ, भ को आ, र, त, भारत। अब हम इसको दोबारा दोहराएंगे। देखिए, फर्स्ट इज सुंदर, नेक्स्ट प्यारा, थर्ड वन इज गंगा, फोर्थ वन इज हिमालय, नेक्स्ट आंखों, नेक्स्ट सागर, नेक्स्ट प्राण, एंड लास्ट भारत। तो बच्चों, आपने इसको अच्छे से घर पे याद करना है और इसको अच्छे से समझना है और अपने नोटबुक के ऊपर लिख कर देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।